हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन कहानियों को ना सुने, इससे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। उसे झूठी दिलेरी दिखाना भारी पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, रमेश और श्याम दोनों जिगरी दोस्त थे और ये उस समय की बात है जिस समय लॉकडाउन चल रहा था। आसपास की सभी दुकानें और सभी मॉल बंद थे और ये लोग फिर भी घर से छुप छुपा कर यहाँ वहाँ समय पास करते रहते थे। एक दिन ये लोग एक मॉल के पास में गए और बातें करने लगे। यार, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? कितने दिन हो गए यार, पिज्जा नहीं खाया, ऐसा नहीं किया। अरे यार, अब मैं क्या बता सकता हूँ कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा और कब हम लोग वैसे ही मजे करेंगे, पहाड़ों में जाकर और एडवेंचर करेंगे। तभी श्याम ने कहा, यार एक आइडिया है मेरे मन में, अपन क्यों ना गांव चलते हैं और वहाँ पर तो इतना लॉकडाउन का कुछ पचड़ा भी नहीं होगा और थोड़ा दिन वहीं बिताएंगे जब तक यहाँ का लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है यार। और दोनों अपनी बाइक निकालकर खेत खलियान और जंगलों के रास्ते से होते हुए गांव में पहुँच गए और गांव की खूबसूरती देखकर इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लोग वहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे थे, झील तालाब झरनों का आनंद ले रहे थे। मज़ा आ गया यार, हाँ वहाँ तो चारों तरफ दुकानें भी बंद रहती थी। देख यहाँ कितनी हरियाली है, यहाँ लगता है कि यहाँ लॉकडाउन का कोई असर है। यहाँ के लोग भी अच्छे स्वास्थ्य दिख रहे हैं, किसी के चेहरे पे भी देख मास्क नहीं है। हाँ यार अच्छा है, मानना पड़ेगा। तभी एक दोस्त जो गांव में रहता था श्याम का, वो आया। हेलो श्याम, अरे कब आया यार? अरे आज ही आया यार। मेरे घर भी चलो ना। हाँ चलते हैं ना यार, चल चल चलते हैं। और ये लोग इसके घर पहुँचे, इसने उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया, बहुत मज़ा आया। तभी श्याम ने पूछा, यार कुछ किस्से सुना यार, तेरे गांव के कुछ किस्से, ज़रा थोड़ा समय पास हो। तभी इस गांव के लड़के ने कहा, कौन सा किस्सा सुनाऊँ, भूतों का सुनाऊँ? सुना दे यार भूतों का ही, वैसे भी मैं ये सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन समय पास करने के लिए कुछ तो सुनना पड़ेगा ना। देख भाई, तू माने या ना माने, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, गांव के लड़के ने कहा। देख भाई, मैं सब ये सब नहीं मानता। अरे नहीं मानता तो बोल, तुझे मनवा दे। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ तो देख, आज रात को हमारे गाँव के बाहर जो ट्यूबवेल है ना, तू वहाँ पे चल, बाकी की योजना मैं तुझे वहीं बताऊँगा। ठीक है यार, चल चलते हैं। और ये लोग गांव के बाहर एक ट्यूबवेल के पास पहुँच गए। उस समय रात के 12 बज रहे थे। तभी गांव के लड़के ने कहा, ये ले हथौड़ी और ये ले कील, और उस ट्यूबवेल के पास जाकर इसे ठोक कर आ जा, कील गड़ा देना और यहाँ मेरे पास आ जा, बाकी की बात बाद में करेंगे। बस इतनी सी बात? अरे मैंने तो सोचा था तू कुछ भूतू दिखाएगा। अरे भाई, पहले तू ये करके तो आ जितना कहा गया, तेरी भी तो दिलेरी देखे हम, फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। ठीक है। और उसने कील और हथौड़ा लिया और डींगे मारता हुआ आगे बढ़ा। ये लोग उसी जगह पर एक झाड़ के पीछे छुप कर इसे देख रहे थे। यह आगे बढ़ा, उस समय रात का सन्नाटा था, इसके पैर खेतों के कीचड़ में धंसने लगे और किसी तरह यह आगे बढ़ता रहा। अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं और इसे कुछ भैंसा महसूस होने लगा। इसने सोचा, यार ये लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे, कहाँ वापस तो नहीं चले गए? खैर कोई बात नहीं, जल्दी से एक कील गड़ाता हूँ और दिखाता हूँ अपनी दिलेरी। घबरा तो ये गया ही था,
किसी तरह उस ट्यूबवेल के पास पहुंचा। ट्यूबवेल में अंदर से पानी की आवाजें आ रही थी। इन अजीब आवाजों को सुनकर इसे कुछ भय और ज्यादा महसूस होने लगा। तब तक इसने वहां पर कील ठोकी। जल्दी जल्दी ये कील ठोकने लगा, ठक 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 ठक। इसने आधी कील ठोकी और वापस मुड़ा तो चीख कर जमीन पर गिर गया। इसने देखा कि पीछे से किसी ने इसकी शॉल को पकड़कर इसे खींचा है और यह बेहोश होकर गिर गया। काफ़ी देर तक जब भी वापस नहीं आया तो इसके दोस्त लोग वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो यही पड़ा है, ये क्या। इन्होंने टॉर्च चला के देखा तो शॉल के साथ उसने कील को गड़ा दिया था और वही भय से बेहोश हो गया था। अरे उठाओ इसे, जल्दी से इसे उठाकर ये लोग लेकर आए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। बड़ी मुश्किल से वह उठा और घबराते हुए रोने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अरे भाई ठीक है ठीक है, अरे लेकिन तू इतना घबरा क्यों गया और तूने शॉल के साथ कील क्यों गड़ा दिया। नहीं नहीं वहाँ भूत है भूत है। अरे कोई भूत वूत नहीं था वहाँ, हम तेरी दिलेरी जो तू इतनी ढींगे यहाँ करा था ना वो देख रहे थे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी। अच्छा।